देखिए दोस्तों, ये हो गया पूरे छत में वाटरप्रूफिंग, पीयू वाटरप्रूफिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर पहुँचे हैं एक नई साइट के साथ। आज हम लोग कर रहे हैं ये साइट केसर बाग लखनऊ में। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी साइट का पूरा मुआयना कराता हूँ और आज हम इस वीडियो में जो है फिर एक नई साइट पे टाइल्स की वाटरप्रूफिंग की बात करेंगे कि टाइल्स में से अगर हमारे पानी टपकता है तो इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी भी वाइब्रेशन के, बिना तोड़ फोड़ के हम छत में कितने आराम से वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं और अपनी छत को जो है सीलन और लीकेज से बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग टाइल तो जल्दी जल्दी में लगवा लेते हैं, लेकिन अपने मकान में पहले हम लोग नीचे छत में RCC कंक्रीट की मेन छत की रूप में मेन सरफेस पे वाटरप्रूफिंग कोटिंग नहीं कराते हैं, तो हम लोगों को देखिए दोस्तों ये समस्या आ जाती है। पूरे टाइलों में से, जॉइंटों में से नीचे वॉल सीलिंग ख़राब होती है, POP ख़राब होती है, पेंट पुट्टी ख़राब होती है और पूरा नीचे लीकेज करने लगता है हमारा छत। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, लगभग हमारा ये एरिया है, होगा कम से कम मान के चलिए 500-550 स्क्वायर फीट एरिया है ये। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग टाइल्स की वाटरप्रूफिंग करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला दिन है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का। इस वीडियो को मैं टुकड़ों में बनाने जा रहा हूँ और लास्ट में इसको मैं पोस्ट करूँगा। जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी तब आपको ये फुल वीडियो मिल, तब तक आप लोगों को फुल वीडियो मिलेगी ये। तो दोस्तों मैं बात करूँगा, देखिए ये छत में जो है 1.5x1.5 की टाइल लगी हुई हैं और ये टाइलें पूरी हमारी बाउंड्री वॉल पे लगभग 4 इंच की स्टार्टिंग में चढ़ी हुई हैं। और दोस्तों इसमें से मेन प्रॉब्लम क्या है कि टाइलें जो हैं बेसिकली चिपक के लग गई हैं। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होना है, सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम लोग इसमें सफाई का काम कर रहे हैं। सफाई धुलाई के बाद जो है हम लोग देखिए इसमें अपने अगले स्टेप की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, यह है लेटेक्स प्लस सीमेंट की कोटिंग है ये, इसको हम SBR कोटिंग भी कहते हैं। ये हम लोग बर्जर पेंट्स में जो लेटेक्स प्लस आता है उसकी हम लोग टाइल्स के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। ये पूरे एरिया में दोस्तों देखिए किस तरीके से हम लोग इस पर पूरा एक लेयर बनाएंगे। ये टाइलें जो होती हैं दोस्तों हमारी बहुत चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा रफ करेंगे। रफ कैसे करेंगे दोस्तों, ये SBR कोटिंग जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, रबर कोटिंग होता है ये। ये क्या करता है, टाइलों में नीचे बेस बनाने का काम करता है और टाइलों के ऊपर एक अच्छी रफनेस वाली पकड़ कर लेता है। साथ में सीमेंट मिला हुआ है तो ये काफ़ी अच्छी पकड़ कर लेता है। दोस्तों इन टाइलों में से इतनी समस्या है कि अभी नया मकान बना हुआ है और अभी इसमें गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है और अभी नीचे इतनी महंगी महंगी फॉल सीलिंग हुई है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, पूरी SBR कोटिंग करने के बाद में अगले दिन हम लोग इसमें जो है देखिए इसमें PU कोटिंग कर रहे हैं। PU कहने का मतलब ये हमारा पॉलीयूथरेन कोटिंग होता है, इसका हम लोग फर्स्ट कोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कोट, इसको प्राइमर भी कह सकते हैं, लेकिन ये है ओरिजिनल कोट ही। अभी अगर हमारा ये RCC का स्लैब होता तो हम लोग इसमें पहले प्राइमर करते, तो अभी तो ये प्राइमर नहीं है, अभी पूरा जो है ये ओरिजिनल कोटिंग है। इस ओरिजिनल कोटिंग को हम लोग पूरा छत पे जो है कवर करते हुए, देखिए साइडों में जो स्टार्टिंग है डेडो जो होती है पूरा साइडों में कवर करते हुए ला रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से छत को हम सीलन और लीकेज से बचा सकते हैं। टाइल लगवाने के बाद भी हम इसको करवा सकते हैं, काफ़ी मजबूत होता है ये। देखिए दोस्तों, लखनऊ में हमारा ये काम चल रहा है। लखनऊ में दोस्तों हमने कम से कम अभी 1, 2, 3, 4 लगभग मेरे हिसाब से हमने 3-4 साइट तो कर ही दी लखनऊ में। और ये कोटिंग जो है दोस्तों, करने का मतलब ये है कि SBR कोटिंग पे, यानी कि ये सीमेंटेड कोटिंग जो नीचे काली वाली आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये PU पॉलीयूथरेन कोटिंग हो रही है PU की। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर मजबूत पकड़ करेगा और इसके ऊपर एक ऐसी सरफेस तैयार करेगा जो पानी को नीचे जाने से बचाएगा और इसमें कोई भी जोड़ जाड़, मतलब इसके जॉइंट वगैरह कोई भी छोड़ने नहीं होते हैं। देखिए छत में हमारे ये पिलर भी लगे हुए हैं, इन पिलरों पे भी टाइल लगा दी गई है। ये पिलर असल में क्या है कि ये कॉलम है, जो बचे हुए हमारे कॉलम होते हैं, तो बाद में मिस्त्री लोगों से हम लोग क्या करते हैं कि इसको ईंट वगैरह रखवा के या फर्मा लगवा के इसको हम भर देते हैं। तो इसमें लोगों ने टाइल भी लगवा दी है, चलिए उसकी तो कोई बात नहीं है, उसको भी हमने फुल पैक कर दिया है।
पूरा इस तरीके से ये पैकिंग करते हुए दोस्तों हम लोग इसको भरते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये है आपका दोस्तों बर्जर का पॉलीयूरेथेन कोटिंग, जो पीयू रूफ कोट के नाम से भी आता है। ये पूरी कोटिंग हम छत पे चढ़ाने वाले हैं आज। इसमें साफ़ सफाई का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा, छत में आप लोग टंकी लगवाते हैं तो टंकी अक्सर जो है स्टैंड पे लगवाएं, चबूतरा वगैरह ना बनवाएं। दोस्तों देखिए लगभग हमारा जो है ये हमारा पहला फर्स्ट जो है पीयू का जो कोटिंग है लगभग हमारा निपट चुका है। अब हम इसको 4 से 6 घंटे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में ये सूखेगा और पूरी छत जो है जब ये सूख जाएगी तो उसमें नेक्स्ट डे में हम इसमें अगली कोटिंग करेंगे, या फिर और इसका अभी एक छोटा सा काम और भी बचा हुआ है इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें दोस्तों अभी क्या होता है कि प्राइमर करने के बाद में, पहला कोट करने के बाद में भी इसमें हम लोग जो है क्रैक फिलअप करते हैं। देखिए इसमें कहीं कहीं पर पट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको, जोड़ वगैरह की, ये पूरा हम सील करते हैं। और अभी हमारा टंकी के नीचे भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो वो थोड़ा सा हाथ ना पहुँचने के कारण वहाँ पर रोका हुआ है, उसको हम एक साथ ही निपटा देंगे। देखिए दोस्तों ये बर्जर का क्रैक फिल पेस्ट है। देखिए ये हमने पूरी दरारों पे प्राइमर कोट करने के बाद में, यानी कि ओरिजिनल पहला कोट करने के बाद में, इसमें हमने जो है पूरी क्रैक फिलिंग करी है। देखिए ये पूरा जो है क्रैक क्या काम करता है, ये एक तरीके का पेस्ट आता है। इसको भर देने से क्या होता है कि ये लचीला होता है, धूप में जो है फैल जाता है, फटता नहीं है। दरारों को भरने के लिए, जॉइंट्स को भरने के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है ये। इसको हम अपने हर वाटरप्रूफिंग के काम में यूज़ करते हैं। दोस्तों देखिए नए दिन में हम लोग फिर इसमें अगले स्टेप में ये हम लोग नया काम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी हमने क्या क्या इसमें कर दिया है। हमने इसमें पहले काली वाली SBR कोटिंग करी, दूसरा हमने इसमें सफ़ेद PU प्राइमर कोट किया, उसके बाद में हमने इसमें क्रैक फिल पेस्ट लगा करके पूरा क्रैक फिलअप किया। उसके बाद में दोस्तों आज जो है इसमें हम थर्ड ओरिजिनल कोटिंग करेंगे। थर्ड कहने का मतलब पहला हमारा SBR कोटिंग, दूसरा हमारा जो है ये PU कोटिंग, और तीसरा देखिए भाई साहब सामने ब्रश से लगा रहे हैं स्टार्टिंग वगैरह, और देखिए ये कितना चमकीला वाइट होते हुए एक तरफ से फाइनल होते हुए आ रहा है। ये पूरा जो है इसको हम ढक देंगे और ये बहुत बढ़िया जो है सरफेस तैयार हो जाएगी हमारी छत की। तो इस तरीके से छत में जो है पानी जाने से हमारा बचेगा। और बर्जर PU रूफ कोट जो है दोस्तों 10 साल की वारंटी में आता है, और आपका जो है 10 साल तक इसमें कंपनी वारंटी देती है। ये वारंटी जो है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये वारंटी जो है मान के चलिए बाल्टी पे भी इसके लिखा हुआ आता है, और इसकी इंक्वायरी भी आप ऑनलाइन वगैरह भी ले सकते हैं। काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है ये। दोस्तों देखिए हमने लगभग आधा एरिया थर्ड कोट का हमने पूरा निपटा दिया है। वैसे तो ये हमारा वाइट वाले का दूसरा कोट है, लेकिन काले वाले को मिलाएंगे तो ये हमारा तीसरा ओरिजिनल कोट हो जाता है। इसमें रिपेयरिंग वगैरह भी काफ़ी कुछ रहता है, इसमें देखना पड़ता है कहीं पर कोई छेद या कुछ जोड़ वगैरह इसके छूटे ना हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी लाइक लगा, पसंद लगा, अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, अगर आपको सीलन और लीकेज के मुद्दे पे कोई मैंने बात की, मैंने कोई चीज़ आपको समझाई, कोई चीज़ दिखाई, तो दोस्तों आप मुझे एक लाइक और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब दोस्तों देखिए इसमें कंजूसी ना करें, एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे तो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो और नई नई साइटों के बारे में जानकारी पता चलती रहेगी। इससे क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और लोग इसको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। तो दोस्तों वीडियो मेरा जो है यहाँ पे लगभग फाइनल हो जाएगा। देखिए ये सुबह का वक्त का मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो इसमें देखिए पूरा ये वाइट हो गया है और ये काम लगभग हमारा फाइनल हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में बांटें। देखिए दोस्तों कितनी बेहतर फिनिशिंग के साथ में पीयू की वाटर प्रूफिंग करी है हमने, यानी पॉलीयूरेथेन वाटर प्रूफिंग। तो दोस्तों लखनऊ में हमारी लगभग ये साइट फाइनल हो गई है। अब इसमें जो है ना कभी पानी आएगा ना कोई समस्या आएगी। इसमें पूरा पानी भर के आप टेस्ट भी कर सकते हैं। पानी भरने से क्या होगा, इसकी लीकेज का पता भी चल जाता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें बरसात में पता चलेगा, और सही बात है कि बरसात में ही पता चलता है। तो दोस्तों उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, थंबनेल पे मेरा नंबर मिल जाएगा। कभी भी आप लोगों को काम करवाना हो तो मेरा नंबर जो है आपको दोनों जगह मिल जाएगा, आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, और जो है काम करवाना हो तो आप मुझे कॉल लगा के बात भी कर सकते हैं। तो मेरा साइट लगभग साइट ये फाइनल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट साइट पे। जय हिंद, जय भारत।